वास्तव में भाई मानना ही पड़ेगा, इतना सारा सामान गाड़ी में भर चुका है तब भी एकदम बढ़िया से गाड़ी संभाल रही है इसको। खाली में जैसे चलता है सेम वैसे ही लोडेड कंडीशन में भी वैसा ही चल रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अरे भाई मैं नहीं, नेक्सॉन बोल रही है, सब्सक्राइब कर देना यार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन की जो ये बूट स्पेस आती है जो इतने लीटर की है, अरे 350 लीटर, मैं बता देता हूँ आपको, 350 लीटर की बूट स्पेस है वो मैं आपको बताऊँगा क्या वर्थ रहती है। आज इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इसको एक लेवल ऊपर बढ़ा के टेस्ट करेंगे, इसमें कितना सारा सामान लेंगे। तो आप भाई कमेंट में ये मत बोलना कि भाई गाड़ी पे अत्याचार कर रहे, भाई बनी है रगेड गाड़ी, रगेड काम करेंगे। और पहले बता दूँ ये XM वेरियंट है, इसमें कोई भी पार्सल ट्रे नहीं आती है, आपके जानकारी के हिसाब से बता दूँ। और पार्सल ट्रे कोई वर्थ भी नहीं है मेरे हिसाब से भी, जब मैं सामान डालूंगा इसमें तो क्या कहते हैं पार्सल ट्रे अपना फट जाती है, ठीक है। और अगर आपने इसके कॉमन प्रॉब्लम्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे और मैं कुछ भी बोलूँ तो मेरे कमेंट में बता दिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दबा दीजिए। इस लगे हाथ एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जब इसमें हम लोग सामान भरेंगे पूरे कट्टे 6 कट्टे डालेंगे इसमें तो गाड़ी दबेगी। दबने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पीछे वाले चक्के का ट्रैवल है कितना कम होता है। अभी हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, जो पीछे चक्का मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ इतना है। अभी इसको मैं उंगली से, तो भाई एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ मैं, कैसे नापूँ, चलो ये देखिए अभी इतना है, अभी ये इतना है। जब इसके बाद सामान भरा जाएगा तब देखते हैं ये कितना दबेगा, ठीक है। उसके बाद कि मैं आपको बोला था ये टेस्ट थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, तो देख सकते हैं 3 बोरे यहाँ पर भर चुके हैं और यहाँ पर भी बोरे आ चुके हैं, देख लो ये भी है और वहाँ पर भी है। यहाँ पर एक बंदा बैठेगा वो मैं हूँ और आगे ऐसे बैठेंगे जाएंगे, देख सकते हैं आप। और ये पूरा आपको जानकारी के हिसाब से बता दूँ, ये पूरे बुक्स हैं। अब ये क्या कहते हैं, मेरे भैया पूरे कॉलेज पास आउट हो गए तो उनके बुक्स और मेरे बुक्स सारे मिला के बुक्स थे इसमें, और बाकी सारे कॉपीज नोट्स थे। अब उसको कबाड़ी वाले को देने जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस अब सारा काम हो चुका है, हमने सामान भर लिया गाड़ी में, अब देख सकते हैं हर जगह भरा हुआ है सामान गाड़ी में। अब ये भी बोल रही होगी भाई रहम कर दो, इतना सारा डाल दियो सामान, आप खुद देखिए इतने सारे सामान भर चुके हैं, आगे भी एक डाल दिए हैं, देखो गाड़ी कितना दब गया है। अभी इसका कंपैरिजन में मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस मैं पहले आपको दिखाया था गाड़ी कितना उठा हुआ था, अब देख लो मुश्किल से 3 अंगुली नहीं बची है, 3 अंगुली नहीं बची, अब देख लो आप, पहले ये पूरा घुस गया था ना, 3 अंगुली नहीं बचा पूरा। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से कितनी दब चुकी है गाड़ी, कहाँ 209, अब कहाँ कितना कम हो चुका होगा ये पता ही नहीं। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमको टोटल 26 किलोमीटर जाना है और वापसी 26 किलोमीटर आना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी फुल टाइट पैक है, हर जगह सामान भरा पड़ा है आगे पीछे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ऐसा। पापा पावर में कैसा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा है, मतलब बोले पकड़ रहा है। भरने के बाद ऐसा नहीं लग रहा बोला कि गाड़ी में दम नहीं बचा है? नहीं नहीं खाली में जैसे चलता है सेम वैसे ही लोडेड कंडीशन में भी वैसा ही चल रहा है। एज सच पावर लैग की कोई भी दिक्कत गाड़ी में नहीं आ रही थी, देख सकते हैं गाड़ी 80-81 तक चल रही है, कोई भी पावर लैग की दिक्कत नहीं आ रही थी गाड़ी में। तो अभी हम लोग लगभग अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं नेक्सॉन कितनी दब चुकी है पीछे से। बस अभी अब रेलवे क्रॉसिंग आया है, आपको ट्रेन दिखा देता हूँ एक नज़ारा, दो दो ट्रेन लोग आई। हम लोग ने अपना काम कर लिया है यहाँ का, अब सीधा वापस निकल रहे हैं। इतना ही था जो वीडियो में था, घर जाने का आपको दिखा नहीं सकता, तो बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना,
पूरा गाड़ी टिक गया। गाड़ी पूरे रास्ते एसी में चली थी, सिंगल वाले में, मतलब फर्स्ट वाले में ही चली थी एसी में, कोई दिक्कत नहीं लगी थी हम लोग को इतना एसी में भी। और जो पावर लैग की बात थी, पावर लैग बिल्कुल लग नहीं रहा था, जैसे सिंपल गाड़ी चलती है वैसी गाड़ी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें।